बिहार विधानसभा में पास हुआ शराब संशोधन विधेयक कानून, शराबियों को अब 10 साल की जगह 5 साल की होगी जेल, विधेयक का आरजेडी ने किया वॉकआउट। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूसीडी की हुई पहली बैठक, 2019 चुनाव को लेकर बने कई प्लान, बैठक में राहुल को गठबंधन का चेहरा बनाने पर रहा जोर। यूपी के बाद अब दिल्ली में बड़ा हादसा, द्वारका में बिल्डिंग की छत गिरने से 2 लोगों की मौत, बिल्डर की लापरवाही के चलते गाजियाबाद में धराशायी हुई इमारत। यूपी के कुशीनगर में घर के मुखिया का दिखा वैशीपना, एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत, पत्नी समेत 2 बेटों को उतारा मौत के घाट। और राजस्थान के झुंझुनू में आईआईटी छात्र ने की खुदकुशी, फंदे से लटक कर दी जान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ अमित नेगी। बिहार विधानसभा में शराबबंदी संशोधन विधेयक पास हुआ, इस दौरान विपक्षी दल राजद ने इसका विरोध किया और चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। बिल पेश करने के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में शराबबंदी लागू होने से काफी फायदा हुआ है, पिछले 2 साल में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनमें 62% शराब पीने वाले तो वहीं 32% शराब की तस्करी करने वाले हैं। नीतीश ने कहा कि 12 जुलाई 2018 तक करीब 6,932 लोग शराब से जुड़े मामले में जेल में हैं। वहीं नीतीश ने विपक्ष पर हमला बोला, उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग शराब और तस्करी का समर्थन कर रहे हैं, ये चौंकाने वाली बात है। बीते 2 साल में इस कानून पर काम करने के बाद हमने इसमें बदलाव का फैसला किया, व्यक्ति दोबारा ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो जुर्माने की रकम 1,00,000 होगी और 5 साल की जेल भी हो सकती है। सीएम योगी ने हाथरस में कई योजनाओं का लोकार्पण किया, इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा, विपक्ष विकास को रोकने के लिए जोर लगा रहा है लेकिन बीजेपी सरकार विकास की गाड़ी को रुकने नहीं देगी, बीजेपी सरकार 16 महीने से लगातार विकास कर रही है। बीजेपी सरकार में भी पुलिस की मनमानी देखने को मिल रही है, 3 दिन पूर्व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़ा गया गौ वंश का धंधा, पुलिस ने इन सभी गायों की लगाम कस कसाईयों के हवाले की। कांदा थाने में कुरैशियों का रिश्तेदार सिपाही के पद पर तैनात है, जिस पर हिंदू समाज में रोष व्याप्त है, साथ ही लोगों ने देर रात से ही थाने का घेराव किया हुआ है। बीजेपी के साथ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन करते हुए थाने का घेराव किया है। पुलिस ने गौशाला भेजने के बजाय सभी कार्य को इस पर अमित डेयरी में सुपुर्द कर दी गई, जिसको लेकर कस्बे में क्षेत्र वासियों के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। गौवंश को पुलिस ने सूचना पर पकड़ा था और उसके थाने लेकर गई थी, उसके बाद मुकदमा कायम हुआ। पहली तो घटना यही है कि पुलिस को वादी होना चाहिए था, उन्होंने एक आम कार्यकर्ता को वादी बनाया, फिर उसको धमकाया और उसको बयान वापस कराए, उसके बाद गौशाला में गौवंश को रखा, जहां पर गौ भक्तों द्वारा, हिंदू समाज द्वारा बहुत अच्छी तरह गौ माता का लालन पोषण किया जा रहा था। ऐसा कौन सा कानून है, मैं माननीय एसएसपी साहब से पूछना चाहता हूं कि कांडला की पुलिस को इतना छूट क्यों दे रखा है, कि ऐसा कौन सा ऐसा कानून है जो रात के अंधेरे में गाय माता को वहां से 14 कसाईयों के साथ कैसे वहां से निकाला गया, उसके बाद ये कह के निकाला गया कि गाय गौशाला में गाय को सही नहीं रखा गया। ये तो वो काम हो गया कि दूध की रखवाले बिल्ली को बिठा देंगे तो हरास ही हरास होगा। 1 बजे पूरे शहर में, पूरे कस्बे में, पूरे देहात में हिंदुओं में बहुत बड़ा रोष है, 1 बजे ले जाने का यहाँ से क्या मतलब था। इसके बाद पुलिस ने इसमें पैसे लेके मोटर कसाई हो गया बनवा दी सारी गाय, अब गौशाला से निकाल कर कसाई हो गया बनवा। आप लोग क्या चाहते हो, आप लोगों का अगला कदम क्या होगा इस मामले में? अगला कदम ये, हमारा संघर्ष जारी रहेगा इसके लिए। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांग पूरी होती है, हम बात रखेंगे अधिकारियों। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है उन्हें गोरक्षक को दिया जा, जो गोरक्षक है उनको गायों को दिया जा, और उसके बाद या तो दोबारा फिर में गौशाला में आवे या फिर गोरक्षक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शामली से विनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
विनीश, एक बार और फिर एक इंसान की हत्या कर दी जाती है गौ तस्करी के नाम पर, तो क्या है ये पूरा मामला? तो पांच दिन पूर्व हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ गौ रक्षकों ने तीन ट्रक गोवंश के पकड़कर पुलिस को सौंप दिए गए थे, जिसमें पुलिस ने देर रात अभी कल रात जो है पुलिस के एक कस्बा इंचार्ज है जो ब्रजपाल रावत है, उन्होंने देर रात करीब 1 बजे करीब गौशाला में जाकर बिना गोरक्षकों की अनुमति के सभी गायों को जो पकड़ी गई गायें थी उनको कसाई के हवाले कर दी गई थी, जिसको लेकर नेक्स्ट अगले दिन जब उनसे दरोगा जी से बातचीत गोरक्षकों ने की तो दरोगा जी ने साफ साफ उनको जवाब दिया कि मैं इन सभी गायों का मालिक हूँ, तुम कौन होते हो इन गायों को हमसे पूछने वाले, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ता और हिंदू संगठन के लोगों ने थाने का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसको लेकर सूरजकुंड मंदिर पर एक बैठक रखी गई जिसमें उच्च अधिकारी से पुलिस के खिलाफ। हेलो जी 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 बताएं विनीत, जिस तरह से कई बार ये मामले सामने आ चुके हैं कि गौ तस्करी के नाम पर कई लोगों को पीटा जाता है, इस तरह से एक ऐसे मामले सामने आते हैं जिससे कहीं ना कहीं दिल दहला जाता है, तो विनीत इसमें बताइए कि जिस तरह से पुलिस के रिश्तेदार का भी इसमें नाम आ रहा है, तो क्या है ये पूरा मामला, कुछ बात हो पाई है पुलिस अधिकारी से इस मामले में आपकी? जी सर, इस सारी जानकारी को लेकर जो बताया जा रहा है कि वहां पर जो जिस तरीके से रात के समय एक दरोगा गौशाला के अंदर जाकर 29 गायें और बछड़ों को, सभी गायें बछड़ों को एक कसाई के हवाले कर देता है, तो वहां पर जो है एक जो उनका उनके साथ एक सिपाही नजर आता है, वो सिपाही उनका जो कसाई है जिसका नाम शौकीन बताया जाता है, वो इन कसाईयों का रिश्तेदार बताया जा रहा है कि जिसके कहने पर सारी मामले की साठगांठ की गई है और उसके ही कहने पर वहां पर जो दरोगा ब्रजपाल रावत है जो कस्बा इंचार्ज है उसने वहां पर जाकर सभी गायों को कसाईयों के हवाले कर दिया, जिसको लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और थाने घेराव करने के बाद जब पुलिस ने उसके बाद सभी गायों को गौशाला में लाने के बजाय उल्टा डेयरी को सौंप दिया गया, जिसमें प्राइवेट डेयरी को सौंपने का पुलिस को कोई हक नहीं है, जिसको लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं में लालिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए नेशन लाइव। किस नेता ने कितना किया काम, किसने किया आराम, कौन उतरा अपने वायदों पर खरा, किसने किया जनता का काम, कौन है कितना पढ़ा लिखा, किसके पास कितनी है संपत्ति और कौन बना और धनवान, किसका है आपराधिक रिकॉर्ड, ये सब बताएंगे हम। जानने के लिए देखिए बस हमारा खास प्रोग्राम नेताजी का बायोडेटा, जल्द आ रहा है सिर्फ नेशन लाइफ पर। हर खबर का मतलब ब्रेक, आवाज तो सब उठाते हैं लेकिन समाधान कौन बताएगा, समस्याएं तो सब गिनवाते हैं लेकिन उनका हल कौन बताएगा, खबर तो सब दिखाते हैं लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा, आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम चल नेशन लाइफ पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, तो चलिए नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों की ओर। यूपी के कौशाम्बी के सैनी कोतवाली इलाके के शिरातू स्थित गुरुकुल महाविद्यालय के पूर्व प्रबंधक समेत 4 लोगों के खिलाफ फर्जीवाड़ा का मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस की इस कार्रवाई से पूर्व समय गुरुकुल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।
सीजेएम की अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरुकुल के पूर्व प्रबंधक पंचमलाल मौर्य समेत मिनिकेतन शास्त्री निवासी गरई सैनी, श्यामावेदी शुक्ला निवासी सैनी और गणेश सिंह चौहान के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एसपी प्रदीप गुप्ता के मुताबिक अदालत के आदेश पर सैनी कोतवाली पुलिस ने नामजद चार लोगों के खिलाफ फर्जीवाड़ा का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध असला तस्करों का खुलासा किया है। दरअसल संबल हेड़ा में दो तस्कर अवैध असलाओं की बिक्री करने के लिए तैयार कर रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने तस्करों की घेराबंदी कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरा आरोपी भागने में कामयाब रहा। वहीं घटनास्थल से पुलिस को भारी मात्रा में तमंचे कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि ये तस्कर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य राज्यों में हथियार तस्करी का कार्य करते थे। वहीं फरार आरोपी की भी अभी तलाश की जा रही है। एसएचओ मीरापुर द्वारा एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गई है, जिसमें उनके द्वारा भारी संख्या में आग्नेय शस्त्रों की बरामदगी की गई है। सूचना ये थी कि दो अपराधी इस अवैध हथियारों की तस्करी में लिप्त हैं। जब इनके द्वारा मौके पर जाके जो सूचना इन्हें द्वारा मुखबिर मिली थी उस पर पहुंचे, तो ये आठ हथियार जो आप लोगों के सम्मुख अभी प्रस्तुत किए गए थे, भारी संख्या में कारतूस बरामद किए गए हैं। एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, आस मोहम्मद पुत्र रहमत अली, जो पकरौली का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में बारिश न होने के कारण नहरें पूरी तरह से सूख चुकी हैं। नहरों में पानी न होने के कारण फसल सूख रही है, जिसकी वजह से किसान बेहाल है। किसान अपनी फसल को लेकर चिंताग्रस्त हैं। प्रशासन की उदासीनता यहां के किसानों को खल रही है। सरकारी दावों में कहा गया था कि किसानों को नहरों के द्वारा हेड से टेल तक पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन इन नहरों की अभी तक सफाई भी नहीं की, जिस कारण पानी किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब किसानों को सिर्फ भगवान पर भरोसा है। नहर में पानी नहीं आ रहा है सर, और सूखा की स्थिति बहुत खराब है, बारिश हो नहीं रहा है, डीजल महंगा है। कैसे फिर आप लोग सिंचाई कर रहे हैं खेत के में? बहुत मुश्किल से हो रहा है। और सरकार ध्यान दे रही है आप लोग? सरकार अम्बेडकर नगर ना कोई धार्मिक स्थल है ना ही कोई पर्यटन केंद्र, फिर भी जिला मुख्यालय पर होटलों के भरमार हैं। वो भी इनका संचालन बिना किसी समुचित लाइसेंस के हो रहा है। इन सबके बावजूद जिला प्रशासन मौन है। सवाल ये उठता है कि आखिर सरकारी अभिलेखों में गैर पंजीकृत इन होटलों का संचालन किसकी कृपा से हो रहा है? अहम सवाल ये भी है कि लाखों की लागत से बने इन होटलों का खर्च कहां से निकलता है? कुछ लोगों ने सराय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, मैं जांच करा के देखूंगा कि वो भी जो भी यहां पे होटल खुले नियमानुसार औपचारिकताएं पूरी करके वो सराय में पंजीकृत पालन करने के लिए नगर पालिका का है और वाणिज्य कर का है, और सराय एक्ट में उन लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है जिनके पास लमरे हों 2,000-2,500 और 1,000 रुपए से कमरे होते हैं, वो जो है उसके अंतर्गत आते हैं और जो है उनका सराय में रजिस्ट्रेशन होता है। उनसे नीचे के कमरों रखने वाले का सराय एक्ट। झांसी शहर के कोतवाली क्षेत्र में एक वृद्ध महिला को अकेला पाकर 2 से 3 बदमाश चोरी करने के इरादे से घर में घुस गए। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के सागर गेट का है, जहां बेटी की गैर मौजूदगी में वृद्ध महिला को अकेला पाकर बदमाश जबरन घर में घुस गए। बदमाशों ने वृद्धा को बंधक बनाकर लूटने का प्रयास किया और महिला के विरोध करने पर उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उनके साथ मारपीट की और सोने की बाली छीनकर मरणासन्न हालत में छोड़कर भाग गए। जब बेटा वापस घर आया तो उसने अपनी मां को बेहोशी हालत में पड़ा देखा। आनन फानन में इसकी शिकायत थाना पुलिस से की। इसके बाद महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। माता जी घर पे अकेली थी, हम बाहर गए थे काम से, तो कोई रात में आया होगा 2-3 जन, तो उन्होंने उनका गला माला दबाया, नाक माक में लग गई, भाले निकाल के ले गए, बाहर के गेट टूटे पड़े, घर में अभी भी खून पड़ा हुआ है जैसा उन्होंने किया था वो बताए, 2-3 जन के चद्दर में लपेट के रख गए उन्हें घर में, जब वो समझ रहे थे खत्म हो गई है, भाले तोड़ के ले गए।
और कुछ नहीं हुआ, उन्होंने सोचा ये मर गई इसलिए घबराहट में भाग के चले गए। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की सैम से चल रहे अवैध अस्पताल, दरअसल गरीब महिलाओं का सुरक्षित प्रसव सरकारी अस्पताल में हो सके इसकी जिम्मेदारी आशा भवों पर होती है, लेकिन आशा भवों पर आरोप लग रहा है कि वो ज्यादा कमीशन के लालच में सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की मिलीभगत से प्रसूताओं की एंट्री तो करा देती हैं, मगर प्राइवेट अस्पतालों में प्रसूताओं की डिलीवरी करा रही हैं। सर अप्लाई करने से आपका लेटर आपका सोने के दोनों चीज बहुत अंतर है। रिसीविंग वगैरह मेरे पास कुछ नहीं है, फाइल भेज दी डॉक्टर साहब के पास में, अभी पहुंची नहीं है, कल ही भेजी है मैंने फाइल, वो नहीं थी इसी वजह से मेरा काम नहीं हो पाया। नहीं ये मेरे संज्ञान में है और वो महिला सीएससी पर गई थी, उसने वहाँ एंट्री कराई और उसके बाद जो आशा और वो महिला के घर वाले थे वो कहने लगे कि यहाँ बड़ी देर हो रही है, डिलीवरी नहीं हो पा रही है, जल्दी करिए जल्दी करिए। यूपी के शाहजहांपुर में विगत दिनों गर्रा नदी पुल पर दो ट्रेनों में हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। मुखबिर की सूचना पर गर्रा नदी पुल के पास लूट के माल का बंटवारा करते समय चार साथी लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद यात्रियों से लूटा गया सामान तथा एक तमंचा और कुछ कारतूस भी लुटेरों के पास से पुलिस ने बरामद की है। शाहजहांपुर में हुई लूट की उक्त वारदात के अलावा बरेली जंक्शन पर हुई दो लूट की घटना को भी लुटेरों ने कबूला है। चारों लुटेरों के खिलाफ बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर तथा हरदोई जीआरपी में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। लगभग 80 से 90 ट्रेन रात में है सेक्शन में, प्रत्येक ट्रेन में एस्कॉर्ट नहीं हो सकता क्योंकि इतना पुलिस बल उपलब्ध नहीं है, लेकिन सेलेक्टिवली जो इम्पोर्टेंट ट्रेन है और जो अपराध की दृष्टि से आंकड़ों से आधार पर करीब 20 ट्रेनों में हमारे एस्कॉर्ट चल रहे हैं और इसके अलावा सभी स्टेशन पर रात्रि में चेकिंग की जा रही है और प्रयास पूरा यही है कि जैसे पूर्व में अपराध नहीं हुआ है उसी तरह। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के कचहरी चौराहे पर बेखौफ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, घटना में एक की मौत, तीन जख्मी हो गए, लेकिन निजी गनर मेरे ऊपर लेट गया, उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान गवा दी। संजय वर्मा ने कहा कि पुलिस ने 48 घंटे का समय दिया है। संजय वर्मा की दुश्मनी पुरानी चली आ रही, 2006 में संजय वर्मा के भाई अजय वर्मा की हत्या की थी, तभी से इन लोगों से दुश्मनी चली आ रही है। संजय वर्मा ने 9 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं झांसी के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष व सचिव सहित सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय आए। संजय वर्मा के ऊपर हुए प्राण घातक हमले के जो भी हमलावर हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज हमारे जनपद के समस्त अधिवक्ता न्यायकार से विरत हैं एवं मध्य प्रदेश शासन ने जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है उसको उत्तर प्रदेश शासन में भी लागू हो उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन माननीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में हम सभी लोगों ने अभी दिया है। अच्छा आज कामों का बहिष्कार किया आप लोगों ने? आज न्याय काम से हम लोग ब्रत हैं। कब तक रहेंगे? धौलपुर जिले में राजस्थान पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, जिसमें अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया है कि 15 जुलाई को द्वितीय पारी में पुलिस भर्ती का पेपर होने वाला था, लेकिन राजस्थान के कोटा जिले के अरिहंत चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पुलिस प्रशासन की लापरवाही से द्वितीय पारी का पेपर पहली पारी में ही अभ्यर्थियों को वितरित कर दिया गया, जिसके चलते द्वितीय पारी में होने वाला पेपर लीक हो रहा गया। मामले में अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर पर नारेबाजी कर मुख्यमंत्री से पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है। यार ये जो 14 और 15 तारीख को जो पुलिस भर्ती परीक्षा का एग्जाम हुआ है इसमें जो लापरवाही बरती गई है, इसमें जो 15 पारी पे में जो एग्जाम हुआ था दूसरे भाग का उसका जो फर्स्ट पारी का पेपर था वो सेकंड भाग में दिखा दिया गया, जिससे बच्चों के उसमें 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, उसकी जो कट ऑफ है इतनी, जो रीजनिंग और उसकी जीके कट ऑफ है इतनी ज्यादा कम जा रही है कि उसमें बच्चे पास ही नहीं हो पा रहे हैं। तो जो ये घोटाला हुआ है अपनी प्रशासन से सरकार से ये मांगे कि जल्दी से जल्दी या तो इसको रद्द कराएं या इसमें जो भी कुछ भी हो सकता है सरकार की तरफ से वो करें, वरना आगामी चुनाव में सरकार को इसका करारा जवाब मिलेगा। नौबैचा विधानसभा क्षेत्र के गोसाई पुखूरी में जनता ने सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया, जहां लोगों ने बीच रास्ते में ही धान की खेती शुरू कर दी, साथ ही स्थानीय एमएलए और एमपी प्रधान बरुआ के खिलाफ रास्ते में खेती करके अपना विरोध जाहिर किया। इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द इस रास्ते का पुनर्निर्माण नहीं किया गया तो आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा। 2014 में जब लोकसभा का इलेक्शन का
चुनाव का प्रचार चल रहा था उस समय मोदी जी बोले थे जो कांग्रेस को आप लोगों ने 60 साल दिए हैं, हमको सिर्फ 60 महीना दीजिए, हम पूरा भारत को बदल के रख देंगे। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नावैसा विधानसभा क्षेत्र की गुसाई फुकुरी गांव गांव में एक रास्ता की जो अवस्था है, उस अवस्था को दिखाने के लिए मैं वीडियो जर्नलिस्ट जन्नाथ को दिखाने के अनुरोध करता हूँ। देखिए यहाँ मैं रास्ता में आसाम की महिलाओं ने किस तरह से धान खेती रोपने का काम कर रहा है। मेरे साथ यहाँ का एक आदमी मौजूद है, उससे हम जानना चाहेंगे किस तरह का प्रतिवाद आज यहाँ में हो रहा है। हम लोग का यहाँ में जो रास्ता था, ये रास्ता 5 साल बाद में मोदी जी बोला हम लोग को कांग्रेस को हटाओ, कांग्रेस हटाओ बीजेपी को उठाओ, ऐसा हो गया, कांग्रेस को हटा दिया। लेकिन हम लोग का जो अंदर में जो बस्ती है यहाँ में भी कोई रास्ता मोर मेडिकल कुछ नहीं है। यहाँ में आदमी आने जाने के लिए जो भी गड़बड़ हुआ वो अभी देखा नहीं है। इतना दिन हुआ यहाँ में नहीं रखेगा, वो प्लेन में घूरेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो वहां में देखेगा। लेकिन यहाँ में कोई हिमंत बिश्व शर्मा, कोई भी प्रधान बरुआ कुछ भी नहीं है। एमएलए हम लोग का साथ में वो 2 किलोमीटर बाद है, वो भी यहाँ में नहीं आएगा, कुछ काम नहीं करेगा। असम के शोणितपुर के रंगापाड़ा इलाके में एक जंगली हाथी घुसाया और उसके बाद क्या हुआ देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। असम राज्य के शोणितपुर जिला रंगपाड़ा के बीचों बीच एक जंगली हाथी का तांडव देखने को मिला। दरअसल देर रात एक जंगली हाथी अपने झुंड से बिछड़कर नगर में प्रवेश कर बैठा, जहां हाथी की मौजूदगी से नगरवासियों में हाहाकार मच गया। चारों तरफ हाथी के आ जाने से लोगों में भय का माहौल बन गया, वहीं हाथी ने भी जमकर उत्पात मचाया। हाथी कभी रेलवे प्लेटफॉर्म में चलता दिखाई दिया तो कभी पटरी के बीचों बीच दौड़ा, कभी पानी का पाइप तोड़कर रेलवे डब्बों को हिलाने लगा तो कभी रेलवे सेट में प्रवेश कर लोहे की रेलिंग को तोड़ते हुए दिखाई दिया। इतना ही नहीं, गजराज ने इलाके के कई घरों की दीवार तोड़ते हुए मूडी पट्टी में प्रवेश किया और फिर बाग बगीचों को रौंदते हुए बोर्ड झुल्ली की ओर निकल गया। हाथी का ये हाई वोल्टेज आतंक सुबह के 4 बजे तक चलता रहा। वहीं घटना पर मौजूद वन विभाग कर्मी हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने में नाकाम रहा, जिसके बाद स्थानीय लोग और रंगपाड़ा थाना ओशी खुर्शेद अली के नेतृत्व में वन विभाग द्वारा गोली चलाकर किसी तरह काफी मशक्कत के बाद हाथी को इलाके से बाहर खदेड़ा गया। वहीं स्थानीय नगरवासियों की माने तो यहां जंगली हाथियों का आक्रमण आए दिन होता रहता है। वहीं लोगों का कहना है कि यहां के वन कर्मी की संख्या काफी कम है, जिन्हें सरकार को आधुनिक अस्त्र भी प्रदान करने चाहिए। 1:30 बजे के टाइम में हाथी आया और पूरा रेलवे छड़के की तरफ था, वॉल तोड़ रहा था तो वो लोग बांस पीट कर भगा रहा है, लेकिन वो भाग नहीं रहा है, सब टीना तोड़ रहा है, किसी का घर तोड़ रहा है, फिर वो डिपो का वाल तोड़ के उसका घर के अंदर घुसा, घर के अंदर घुस करके उसका बाउंड्री वाल तोड़ दिया, फिर उसका टीना तोड़ दिया, तोड़ने के बाद फिर रेलवे छड़की के पास गया, उधर से रेलवे छड़की का वाल तोड़ के तब मेरे घर में घुसा। असम के रंगपाड़ा से नेशन लाइव के लिए जयकिशोर झा के साथ अमित नेगी की रिपोर्ट। असम के 6 जनगोष्ठियों को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर जनगोष्ठियों एक मंच द्वारा दिए गए 12 घंटे असम बंद का तिनसुकिया में व्यापक असर देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने माकूम रोड नंबर 37 DRM कार्यालय सहित कई स्थानों पर टायर जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया, साथ ही केंद्र सरकार पर जनजाति कारण के मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। बता दें कि असम की 6 जनगोष्ठी मटक, मोरान, ताई, आहोम, कोच राजवंशी, सोनोवाल, कछारी और चाय जनगोष्ठियों को जनजाति का दर्जा दिए जाने को लेकर असम में एक लंबे अरसे से आंदोलन चला रहा है। বিজেপি দলৰ নিচিনা লগতে অসমৰ যি মুখ্য চৰকাৰৰ নিচিনা আজিলৈকে কোনো ৰাজনৈতিক দল ইমান প্ৰবঞ্চক বিশ্বজনীয় দল আজিলৈকে ভাৰতীয় ৰাজনীতিত শাসন কৰা আমি আজিলৈকে দেখা নাই।
असम के डिब्रूगढ़ में असम चाय मजदूर संघ के 18वें त्रिवार्षिक अधिवेशन के दौरान असम चाय मजदूर संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष राजू साहू तिनसुकिया के पत्रकारों से मुखातिब हुए, जिनमें साहू ने बताया कि असम चाय मजदूर संघ का चुनाव 40 वर्ष बाद हुआ है और इस बार कई युवा चेहरों को इस संघ के केंद्रीय समिति में स्थान मिला है। साथ ही उन्होंने बताया कि असम चाय मजदूर संघ के वेबसाइट को अपग्रेड किया जाएगा और अधिक से अधिक युवाओं को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से जोड़ा जाएगा ताकि वो असम चाय मजदूर संघ के हर कार्य की जानकारी आसानी से पा सके। वहीं इस आयोजन में पवन सिंह घटवार को अध्यक्ष, राजू साहु को उपाध्यक्ष, रूपेश गोवाला को महासचिव और राजेंद्र प्रसाद को कोषाध्यक्ष चुना गया। चाय मजदूर संघ 18তম ত্রিপাক্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে যায় আর পুন প্রথমবারের বাবে উক্ত অধিবেশন কনটেস্ট হল আর কনটেস্ট হয়ে কমিটি গঠন করা হল। আজি 40 বছরে ঠিক তেনে ধরনের কোনো রকমের কনটেস্ট হওয়া নাছিলে, গতি নিশ্চয় এনে ধরনের যেটা হয়েছে আর নতুন প্রজন্মর যখন যুবক আছে সেই যুবকবিলাকো সেক্রেটারি ভাইস প্রেসিডেন্ট ইত্যাদিবিলাকত আহিলে এবার তো মই ভাবিছো যে নতুনকে যেটো ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইটটো আমি সম্পূর্ণভাবে ডেভেলপ করিব লাগিব, ফেসবুক পেজবিলাক আমি খুলি দিব লাগিব, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপবিলাক আমি আরো সক্রিয়ভাবে করিব লাগিব, গোটেই অসমৰ যি সকল আমাৰ সদস্য সদস্য আছে সেই সদস্য সদস্য সকলক যাতে আমি সকলোকে সংলগ্ন করে যাতে আমি হোয়াটসঅ্যাপের জড়িয়ে আমার যা চা মজদুর সংঘর মেসেজ যা আছে যা কথা আছে সেই কথা বতরাবিলা যাতে আমি পঠিয়াব পারো, ঠিক তেনে ধরনের নতুন চিন্তাধারায় আমি কাম কাজবিল করে অহা সময়বিল চা মজদুর সংঘর যুক্ত সাংগঠনিক ভেটি সেই সাংগঠনিক ভেটি আরো বেশি ভিড়কে হিংসক হোনে আর খুদ ফেসলা লেনে কে লিয়ে কানুন কো হাত মে লেনে কি প্রবৃত্তি রুকনে কা নাম নেই লে রা। बिहार के वैशाली में एक बार फिर भीड़ की हिंसा दिखी, जहां भीड़ ने चोरी के आरोप में 3 युवकों को पकड़ सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। घटना वैशाली जिले के महुआ की है। महुआ बाजार में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटना से परेशान लोगों के 3 युवकों को मोटरसाइकिल चुराते रंगे हाथ पकड़ लिया। भीड़ तीनों आरोपियों को मारते पीटते सड़क पर परेड कराते थाने लेकर पहुंची। पुलिस ने आरोपियों को थाने में बंद कर दिया, लेकिन लोगों की भीड़ थाने के अंदर हंगामा करती दिखी। पुलिस ने किसी तरह लोगों को थाने से बाहर निकाला। घंटों बाद जब लोगों का गुस्सा थमा और लोगों थाने से हटे तो पुलिस पूरी तरह लहूलुहान युवक को लेकर महुआ अस्पताल पहुंची, जहां तीनों का इलाज किया जा रहा है। भागना चाह रहा था, अब भाग भी रहा था, उसी में पब्लिक गाड़ी बहुत वहां चोरी हो गया, इसलिए छानबीन कर रहा है पब्लिक कर लिया कि चोरे चोरे। आगे की क्या कार्रवाई हुई है? आगे वह पब्लिक के द्वारा थाना पर लाया गया, थाना से ही सबको चोट लगा, तैयार कर रहा है। ऐसे कोई कार्रवाई वगैरह भी हुई क्या? तैयार होगा अब यहाँ के इलाज के बाद। कौशाम्बी के पॉलिटेक्निक कॉलेज की मेरिट में नाम ना आने के बाद भी स्टूडेंट को एडमिशन ना देना एचओडी को काफी महंगा पड़ गया। मामला सामने आने के बाद बीजेपी विधायक ने खुद पीड़ित स्टूडेंट कार्तिकेय त्रिपाठी की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने न सिर्फ पॉलिटेक्निक कॉलेज के एडमिशन समिति के सदस्य बल्कि एचओडी कंप्यूटर साइंस रविंद्र कुमार के कारनामे को भी सबके सामने ला दिया। वही शासन के बड़े अधिकारियों और विभाग के मंत्री से भी दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। मॉर्निंग में इस बार काउंसलिंग की 18 तारीख 18 तारीख को बुलाया है। मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन कराने के समय इन्होंने नहीं कहा कि ओरिजिनल मार्कशीट होना जरूरी है, तो मेरे पास था नहीं, इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, मेरिट में सबसे ऊपर मेरा नाम आ गया। उसके बाद एसडीएम साहब जब तक थे तब तक पूरा सही से हो रहा था, जब एसडीएम साहब चले गए अलॉटमेंट होने लगा
हाई स्कूल की मार्कशीट ओरिजिनल नहीं थी, उन्होंने मेरा काट दिया ना। कहा तुम अगर एक घंटे के अंदर आ जाओगे तो तुम्हारा कर देंगे, नहीं आओगे तो तुम्हारा नहीं करेंगे। अब बताया सर कि मैं सराइकिल से आता हूँ, क्या तुम फ्रॉड हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो सर उसी चक्कर में मैं जल्दी जल्दी गाड़ी से गया, एक घंटे के अंदर अप डाउन मारने के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट, पैर फटा था, उसी हालत में आया कॉलेज। और कॉलेज आने के समय भी चल रहा था, कुछ हुआ भी नहीं। उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा कि सीट आपकी ठीक से है, परेशान न हुई, आपकी मार्कशीट देख लिया गया है, कल आपका हो जाएगा 10 बजे। और मॉर्निंग में आया सर, तुम मुझको कह रहे तुम्हारी सीट किसी और को दे दी गई, अब नहीं होगा। उसी चक्कर मेरे दोस्त को भी इन्होंने हाथ। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जनपद के दो अलग अलग थाना क्षेत्र के हाईवे पर हुए हादसों में 2 की मौत और करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां अभी कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के नेशनल हाईवे अला बख्शपुर के पास मुरादाबाद से दिल्ली जा रही इनोवा कार खड़े ट्रक से टकराई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं दूसरी ओर थाना धलौना क्षेत्र में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार बाइक और थ्री व्हीलर की भिड़ंत हो गई, जिसमें करीब 0.5 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनको धलौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। ये रात में पुलिस के द्वारा गश्त लगाई जा रही थी, हाईवे से गश्त लगा रहे थे, कहीं कोई एक्सीडेंट हो तो सूचना पर कार्रवाई हो और सबको जो है बताया जाए कि गाड़ियां सब सुरक्षित चले। फिर भी एक ट्रक के पीछे इनोवा कार का क्षतिग्रस्त होना जो है कल जैसे ही क्या हुआ, पुलिस ने समस्त कार्रवाई पूरी की, जिसमें घायलों को उपचार रूप में रख दिया गया और अन्य समझ में कार्रवाई पूरी कराई जा रही है। कितने लोग किस लॉ थे अभी तक यहाँ पर जो हमारे पास सूचना है, एक आदमी की बताई गई और अन्य सभी के बारे में जानकारी कराई जा रही है। तो जो भी इसमें विधि कार्रवाई होगी सभी पूरी कराई जाएगी। ये जो है आपस में बाइक और ऑटो वालों की भिड़ंत हुई है, करीब 1.5 हजार के आसपास में पता नहीं कहाँ हुआ, इसमें 5-6 लोग करीब घायल हुए हैं, इसमें से 2 लोगों को शायद फ्रैक्चर भी हुआ, इस तरीके की उनकी कंडीशन है। सर कुछ होगी, हालत ज्यादा गंभीर है, जो रेफर किया जा रहा है? फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल लाइव। नमस्कार।